भाई अगर मैं तेरे को अभी 30 रुपए दूँ तो क्या खरीदेगी? चॉकलेट। 50 रुपए दूँ दो दो चॉकलेट। तो क्या तू पूरा दिन दो चॉकलेट के साथ बिता सकती है? नहीं। तो आज हमें पूरा दिन का यही चैलेंज है कि हमें 50 रुपए में पूरा दिन बताना। Oh, no. भाई आप देख रहे हो आज हमें 50 रुपीज में रहना है, मतलब खाना है, मतलब खा के रहना है जो भी। आज हम करने वाले लिविंग इन 50 रुपीज में रहना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वीडियो को शेयर किया जाता है। हाँ वही ना। तो गाइस अभी चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, चलो ढूंढते हैं कि हम 50 रुपीज में कैसे जी सकते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना। आइयो तो एक काम कर, तू लेफ्ट में देख, मैं राइट में देखती हूँ, कहीं ना कहीं तो दुकान मिल ही जाएगी ना। ठीक है। बढ़िया महारानी, मैकडोनल्ड्स जाने, हमारे 50 रुपए के बजट में मैकडोनल्ड्स जाएगी। तो कॉफी भी नहीं आएगी 50 रुपए की। अरे वो देख उधर दुकान है छोटी सी, वहां से ले लेते हैं, 50 रुपए में तो कुछ मिल ही जाएगा। मैकडोनल्ड्स का ये काया तो सस्ता मैकडोनल्ड्स हो गया। हाँ हाँ चल चल। अरे वाह यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें। अंकल क्या मिलेगा? कटलेट्स भी है, समोसा पाव है। अच्छा मिसल पाव कितने का है? 40 रुपए का। अरे इतना ज्यादा, हमारा बजट तो 50 का है। ओह नो। अरे अंकल 10 रुपए कर दो ना, छोटे बच्चे हैं हम। ठीक है 10 रुपए में मिसल पाव और कटलेट दे दोगे ना? ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू अंकल। चल अभी हमारा हो गया एक। तो गाइस देखो हम लोग मम्मी की तरह बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करा लिया, 10 रुपए में हमारा ब्रेकफास्ट करने वाला है। तो गाइस अभी हमने तो अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया, मैंने मिसल पाव और अनुष्का ने कटलेट। हाँ तो अब हम लोग, मेरे को तो और भी बहुत सारी चीजें पसंद है, वड़ा पाव, भजिया पाव, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, बस 10 रुपए का बजट है ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ मम्मी पापा आराम से खा रहे हैं। मम्मी मैं भी ले लूं? नहीं नहीं तुम्हारा बजट नहीं आज, आज तो सारी चीजें हमारी। अरे हम आपकी बेटियां हैं, आप भूल रहे हो, हमको भी दे दो। नहीं नहीं चीटिंग नहीं, तुम तो चैलेंज कर रही हो ना, तुम्हारा तो 10 रुपए का बजट है। ठीक है गाइस जाएगा, हम वही खाएंगे। हाँ। मैं भी अपना बड़ा खाऊंगी, बड़ा नहीं कटलेट, मैं भी अपना कटलेट शेयर नहीं करूंगी। और आइए तो अपना चटनी शेयर मत करना। मेरे पास तरह तरह की चटनी और पकौड़े और क्या क्या मैंने सब ऑर्डर किया है, बट नहीं नहीं मम्मा देखो कौवा। जो तुमको 10 रुपए मिले वही। ठीक है हम रुक जाएंगे, नहीं देंगे। हाँ देखो गाइस हमने तो एकदम अच्छा जुगाड़ कर लिया, 20 रुपए का था एक कटलेट, 10 रुपए में मिल गया हमें। बेच तो गया लेकिन मुझे अभी भी ज्यादा चाह रहे हैं, मुझे पकौड़ा खाने में बड़ा मजा आता है। A few minutes later. Wow, guys, ये देखो मेरा मिसल पाव आ गया। काफी दिनों बाद मैं खा रही हूँ और काफी स्वादिष्ट दिख रहा है ना। हम दोनों एक ही चैलेंज में है। नहीं, नहीं हम दोनों एक ही, सुन ना यार, हम दोनों एक ही चैलेंज में, तो शेयरिंग इज कैरिंग। नो शेयरिंग नो कैरिंग। तो चलो अभी खा लेते हैं। इधर मम्मा पापा ऑर्डर किए जा रहे हैं अभी खुद के लिए और हम तो इसी में अटके हैं। अंकल आते हैं ऑर्डर भेजने के लिए, और कुछ चाहिए क्या? तो हम बोलते मिसल पाव, तो बोलते नहीं लंच के लिए क्या होगा। कोई बात नहीं हम इतने में कर लेंगे। तो हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया और काफी यमी था, हम बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि 10 रुपए में ब्रेकफास्ट हो गया। इस संडे हम आए रिजॉर्ट में, अब हमारा बजट हमें रिजॉर्ट का खाना अलाउड नहीं करता, लेकिन मम्मा पापा ऑफ कोर्स खाएंगे लेकिन हम नहीं खाएंगे। हाँ अभी तक हमने लंच नहीं खाया क्योंकि काइंड ऑफ हम लोग ने लेट ही ब्रेकफास्ट किया था। हाँ मतलब 11:30 के पास हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और अभी भूख तो लगना चालू हो गया है। अब मैं मन तो कर रहा है कुछ खाने का लेकिन आपको पता है बजट नहीं है। Oh no. अब गाइज हमारे कमेंट्स ऑफ है तो इसलिए हम आपसे बात तो कर नहीं पाए कमेंट्स के थ्रू, तो हमने सोचा कि हम वीडियो में ही आपसे बात कर ले। तो कम्युनिटी भी एक तरीका है जिससे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप कम्युनिटी में जा सकते हो, तो हम फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, आप उसमें हमारे साथ चैट कर सकते हो जो हम लोग अक्सर करते ही हैं। हाँ गाइज तो हमने कमेंट्स पढ़े और हमने नोटिस किया कि आपको हमारा रूटीन वीडियो चाहिए, जो मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट करके बताना कि आपको किसका रूटीन चाहिए, अनु का चाहिए पहले या आयु का चाहिए, तो हम वही रूटीन बना देंगे, जो आपको चाहिए हम वो बना देंगे वीडियो, कुछ भी आप बताओ हमें। तो
तो अभी बचा है 40 रुपीज और हमें 40 मतलब आई थिंक 10 रुपीज में हमारा लंच करना होगा आज, जो काफी मुश्किल है एक्चुअली. आज जैसे मतलब हम लोग 30 रुपीज का चॉकलेट खा लेते थे, अब मतलब वो भी नहीं, ऐसा लग रहा है 30 रुपीज अपना पास तो बजट ही नहीं है. कंजूसी करी पड़ी, बस 50 रुपए है, 50 नहीं 40 रुपीज. अब देखा थे हम लोग कहीं होटल में जा नहीं सके क्योंकि होटल में यहाँ तक 50 रुपए का 100 रुपए के नीचे नहीं मिलता सामान. मिलता भी होगा तो 70 रुपीज का आइसक्रीम चॉकलेट वही मिलता है. अब हमारे तो 50 का ही बजट है, तो मतलब हमें कोई सस्ते वाली लोकेशन पे जाना होगा. आज तुमको पता चलेगा 50 रुपए होता क्या है. 50 रुपए की कीमत तुम क्या जानो अनु बाबू. 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. 50 रुपए का एक बार में चॉकलेट खा जाती हूँ. आज 50 रुपए में पूरा दिन निकालो तो समझ में आएगा. कर लेंगे, हमें चैलेंज नहीं, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो हम करके भी दिखाएंगे. तो गाइस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, देखने के लिए हमें 40 रुपीज का प्रयोग कैसे करते हैं. तो गाइस चलो अभी हम आपको लंच में मिलते हैं. तो अभी हम लोग निकल गए हैं तो हम ढूंढने अपने लंच को. तो गाइस अभी हमारे पास पता नहीं 10 रुपए में क्या लेंगे, जो लंच जितना यम्मी हो, मतलब लंच कितना हैवी रहता है, मिड हैवी रहता है ना, तो उतना भी चाहिए और यहाँ तक 10 रुपए में आना भी चाहिए. तो गाइस लेट्स सी कि हमें मिलता है नहीं. हम लोग को एक होटल मिला है, मतलब होटल वो ढाबा टाइप होटल है लेकिन अच्छा लग रहा है कि मतलब उधर कुछ मिल जाएगा 10-15 रुपए में. चलो अभी चलते हैं. हाँ चलो आइए. Few moments later. Guys, नहीं था. बहुत दुखी हो गए क्योंकि इधर कुछ भी 10-20-30 में आई थी, सब 100 रुपया 90 रुपया. Oh no! अब उतना तो अपना बजट नहीं है तो चलो और खोज ले निकलते हैं. तो अभी फाइनली हमें एक ढाबा मिला है जो एकदम देसी लुक है, गांव की याद आ जाएगी खटिया. ये देखिए एकदम देसी खटिया है. खटिया बोलते समय ऐसा लग रहा होगा कि हम बोलते खटिया है, एकदम बढ़िया. हाँ तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल गया है, हम बहुत खुश हैं. तो अभी चलो खाते हैं. भैया सबसे सस्ते में क्या मिल रहा है? दाल खिचड़ी है, राइस है. कितने का है खिचड़ी? 25 रुपीज़ तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर लो, 10 रुपये 15 रुपये वैसा कुछ. आज 10-15 रुपये कर दो ना. हम बच्चे हैं, यूपी से हो यार, पापा की टेक्निक चलती है. अब डिस्काउंट कर दो ऐसे ही थोड़ा सा. तो बजट तो अपना उतना है नहीं, बाकी है 40 रुपीज़. अभी उसमें हमें क्या मिलेगा? अगर हम पूरा 25 दे दें तो डिनर इवनिंग स्नैक्स मिलेगा नहीं. तो आयु थोड़ा हम लोग को करना होगा 50-50, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. 25 रुपीज़ का 50% कितना होता है? आप लोग कैलकुलेट करो, तब तक हम लोग ऑर्डर करते हैं. हाँ तो एक खिचड़ी हम लोग शेयर कर लेंगे. तो गाइज अभी हमारा खिचड़ी आ गया एंड इतना सारा दे दिया उनने हमें 25 रुपए में. उनने सोचा दो दो बच्चे हैं, चलो डिस्काउंट नहीं दे पाया तो एक ज़्यादा खिचड़ी दे देते हैं. तो अभी हमने एक एक्स्ट्रा प्लेट भी मंगा लिया, मतलब हम लोग दो जने थोड़ी एक एक में खाएंगे. अभी मैं अपना इसमें खाऊंगी, आयुष का इसमें ही खाऊंगी. हाँ मेरा आ रहा है. ओवर एक्टिंग के लिए पैसा काट. तो गाइस हमने ये 25 मतलब 25 ही होगा ना. हाँ मैं हिंदी में थोड़ी कमजोर हूँ. तो गाइस अभी हमने अपना लंच खा लिया. आज हमने सबसे बड़ा नोटिस ये किया है कि 30-30 रुपए के अपन लोग चॉकलेट खा लेते थे, उसी के बीच हम ब्रेकफास्ट और लंच खा लिए उतने ही अमाउंट में. सोचो तो बिल्कुल भी 50 रुपए वेस्ट नहीं करने का हमें दे देने का. आप भी अगर 50 रुपए का करो ना, मतलब 50 रुपए जितना कम से कम पैसा रखना ना उतना यूज करने का. हाँ गाइस तो अभी लंच तो हो गया है, हमारे पास आई गेस 30 रुपीज बाकी है. तो फिर अभी हम 30 रुपीज में बाकी आधा दिन बिताएंगे, तब आपको मिलते हैं इवनिंग टाइम पे. अभी हम लोग कर रहे थे कि अचानक से हम सोचेंगे इवनिंग के लिए क्या लेंगे कि अंकल भागते हुए. अब वो बेचारे अंकल गर्मी में इतना भाग रहे थे धूप में, तो हम लोग इसको और सस्ता में ले सकते थे लेकिन हमने 5 रुपए में उनसे ले लिया. इसमें सेम आना है तो मैंने ब्लू कलर लिया और मैंने ग्रीन, जबकि अंदर सेम ही रहेगा तो होता है. तो अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए तो हम यही खा लेते हैं 5 रुपए. तो अभी हमारा देखो बाकी कितना है 27.5 और अभी 5 रुपए का दो दो सेंगा है, तो 5 अभी हम दोनों में से 5-5 माइनस करें तो हो गया 22.5. सही है ना दोस्तों?
तो अभी 22.5 रुपीस में हमें हमारा डिनर एंड डेजर्ट करना है। चलो अब देखते हैं कि हमें डिनर में क्या खाने को मिलेगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर आए एंड उसके बाद फ्रेशन अप हो गए, कपड़ा बदल लिए एंड अभी हम जाने वाले हैं डिनर खाने। अब डिनर खाने जाएंगे, मुझे तो बहुत भूख लगी। अब हमारे पास है 22.5 रुपीस एग्जैक्ट, 22 रुपीस बेसिकली। चलो अभी चलते हैं, हमारी गाड़ी भी आ गई। तो गाइस अभी हम यहाँ मोमोज की दुकान में आ गए, हम मोमोज खाएंगे। तो अभी हम लोग ने बड़ी मुश्किल से एक दुकान ढूंढा, मतलब हम लोग गए थे और मतलब निकले थे तो सोचे कि मोमोज ही खा ले। हाँ तो कितने का है ये वेज मोमोज? 50 रुपीज का है। 50 का है तो डिस्काउंट दे दो 10 का। हाँ या तो एक काम करो 20 का लगा लो, क्योंकि हमारे पास तो 20 रुपया और जितना मोमोज दे सकते हो 20 रुपया में उतना दे दो वेज मोमोज। हाँ मेरे लिए भी ऐसा ही कर दो, 20 रुपये में जितने मोमोज आएंगे उतना दे दो। ये तो अंकल मान गए, तो हम 40 रुपीज में कर लेंगे, एक प्लेट लेंगे और हम दोनों खा लेंगे आधा आधा प्लेट। 20-20 तो हमारे पास बचेगा 2.25 रुपीज, फिर अपना बजट भी बैठ जाएगा और खाना भी हो जाएगा। हाँ हमारा आज बहुत कम बजट है 20 रुपया। तो अपना डिनर तो फिक्स्ड है, अभी हमारा मेन 2.25 रुपीज बाकी, उसी से हम अपना बाकी का डेजर्ट करेंगे। 2 रुपए में क्या आता है। ये देखो इतने रेड चटनी और व्हाइट चटनी दिया है, मैं दोनों को मिक्स करके खाती हूँ। यम। हाँ तो मेरा मन था चिकन का, लेकिन चिकन महंगा था तो इसलिए वेज ही लेना पड़ा। मैं तो वेजिटेरियन, मुझे अच्छा लगा, आई एम सैटिस्फाइड कि आज मेरा डाइट भी हो गया। तो गाइज आज आपने देख लिया, हमने कैश भी करके पूरा दिन 50 रुपये में एकदम अच्छे से बिता दिया। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, सुबह शेयर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो गाइज आपको क्या लगा, वीडियो खत्म हो गया? नहीं नहीं 2 रुपया बाकी ना, उसको भी यूज कर लेते हैं ना। हाँ डेजर्ट में, तो अभी हम आपको डेजर्ट के टाइम पे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। तो 2 रुपए का चॉकलेट है, ये 2 और वो 1 रुपए का, तो ये अंकल 2 दे दो, 4 दे दो। तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शन है, कैंडी मैन का 2 चॉकलेट लो या तो चॉकलेट का कॉफी वाला 1 लो। तो हमारे पास 3 चॉकलेट डेजर्ट के लिए आए हैं, तो बेसिकली एक रुपया का चॉकलेट, एक 2 रुपया का चॉकलेट। तो ये देखो एक कैंडी मैन वाला चॉकलेट एक ही है, तो आधा आधा कर ले पहले इसको तो खा लेते हैं हमारे डेजर्ट को। तो गाइज अभी हमारा डेजर्ट कितना बड़ा है, तो इसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ अगर आपको हमारे चैनल में ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, ऐसे चैलेंज चाहिए तो वीडियो को, हाँ ऐसे करके और अच्छे चैलेंजेस, तो आपको एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो अभी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।